Hello guys, how are you? I hope you are fine. In this video, I am going to discuss active passive voice. And this is second video on the topic. Let us start without wasting time. See these sentences. I have switched off the fan. They have collected some money. Has she recited her poem? The children have not learnt the lesson. In these sentences, the tense is present perfect tense. Now, how we should change these sentences into passive voice? You see, subject, I, fan, object, they, money, she, poem, children, lesson. These are subject, these are object. The fan has been switched off by me. Very simple sentences. Perfect tense, जब हम passive में change करते हैं, has, have, is already there. And I told you, always use third form of verb. What you have to use? Been. Been आपको passive voice में use करना है. Has और have दोनों का use भी आपको देखना है. For example, you see here, with I have used have. And now fan is subject, singular noun, so has been used. And been has been added. और passive voice में been को add कर दिया गया है. Similar is the second case. Some money has been collected by them. Here they is plural number. So have has been used. Some money, uncountable noun. So this is singular noun. Has been used and been added. Has she recited her poem? Has should be used before subject. सब्जेक्ट से पहले आप इसको हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे. Has the poem been recited by her? ऐसे आपका इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बन जाएगा. This sentence is negative one. The lesson has not been learnt by the children. Here, not is put between has and been in negative sentences. Next four sentences, past perfect tense is there. She had used bad language. Child had not touched the live wire. Had the thief noticed you? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस had के बाद आपको been use करना है. प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज और हैव का तो ध्यान रखना है, इसमें वो भी आपको केयर नहीं करनी है, बिकॉज ऑलवेज हैड इज यूज्ड. बैड लैंग्वेज हैड बीन यूज्ड बाय हर. द लाइव वायर हैड बीन टच्ड बाय द चाइल्ड. हैड यू बीन नोटिस्ड बाय द थीफ. इन दीज सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज देयर. विल और शैल का यूज आपको बताता है कि ये फ्यूचर टेंस है. हैव इज यूज्ड, एक ये आपको पहचान है. एंड थर्ड फॉर्म इज देयर. और कैसे इसको करना है हमें? हर बुक इज ऑब्जेक्ट. हर बुक विल हैव बीन. आपको बीन ऐड कर देना है. जैसे तीनों परफेक्ट टेंस में हो गया ना, आपको बीन का ध्यान रखना है और हैज और हैव का. सिमिलरली इन दीज सेंटेंसेस ऑलवेज विल हैव, शैल हैव ऑलरेडी यू विल फाइंड इन सेंटेंसेस. बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड बीन. यू विल हैव हेल्ड ए मीटिंग. A meeting will have been held by you. Will the farmers have cut their crops by next month? Will the crops have been cut by the farmers next month? अब आप ये ना सोचें कि ये singular noun आ गया तो
तो हैव कैसे है या हैज होना चाहिए, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। चेंज होगा तो विल और शैल में, और यहाँ विल और शैल में भी चेंज की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली बीन इज एडेड। योर लास्ट सेंटेंस इज विल द गार्बेज हैव बीन रिमूव्ड बाय देम। ये आपका वन क्लॉज, सेकंड क्लॉज, ये इंट्रेंजिटिव वर्ब है तो ये पैसिव में आपका चेंज हो ही नहीं सकता है। तो कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट वी विल डिस्कस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। यू सी, डू इट, ओपन द विंडो, सेंड फॉर द लॉयर, डोंट वाइप हैंड्स ऑन माय टॉवल प्लीज। ऑल दीज सेंटेंसेस बिगिन विथ इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। हाउ वी विल चेंज दीज सेंटेंसेस, डू इट, लेट इट बी डन। सेकेंड, ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन। नाउ सी द थर्ड सेंटेंस, सेंड फॉर द लॉयर। हियर वी विल हैव टू सी द सेंस ऑफ द सेंटेंस। हियर सजेशन, सो यू आर सजेस्टेड टू सेंड फॉर द लॉयर। ऐसे करना है आपको, इसमें सजेशन है तो आपने फ्रेज का यूज किया सजेस्टेड। अब चूंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो अवर ऑब्जेक्ट इज यू। जब भी हम किसी को कोई काम कहते हैं, सलाह देते हैं, तो यू होता है, तो ऐसे हम यूज करेंगे। डोंट वाइप हैंड्स ऑन माई टॉवल प्लीज। इन दिस सेंटेंस रिक्वेस्ट इज देयर, सो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वाइप हैंड्स ऑन माई टॉवल। तो ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, आर रिक्वेस्टेड और नेगेटिव इम्पेरेटिव है तो नोट टू का आप ऐसे यूज करेंगे। आपके एग्जाम में सेंटेंस लेट से भी मिल सकते हैं। लेट अस वॉश द प्लेट्स, लेट हिम स्पीक तमिल। इनको हम कैसे करेंगे? लेट का यूज कहाँ करते हैं? आओ हम ये काम करें, चलो ये काम हम करें, इस सेंस में लेट का यूज होता है। तो पैसिव में भी हमने ऐसे ही सेंस रखनी है, अपनी सेंस को चेंज नहीं करना है। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वॉश द प्लेट्स, इट इज सजेस्टेड दैट ही शुड स्पीक तमिल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, व्हेन डिड यू चेक दीज पेपर्स। यू सी द टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन वर दीज पेपर्स चेक्ड, आपको ये भी ध्यान रखना है। डब्ल्यू एच वर्ड की प्लेस बदलनी नहीं है। एंड थर्ड थिंग, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब को पहले ही यूज करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है। इंट्रोगेटिव है तो उसको इंट्रोगेटिव ही रखना है, ऐसे आपका सेंटेंस होगा। नेक्स्ट वन, सो पैसिव वॉइस, बाय हूम। टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। वर यू टॉट पंजाबी। ऐसे आपको सेंटेंस चेंज करना है। इफ हु इज देयर, आपको बाय होम यूज करना है। नाउ व्हाट डू यू वांट? एडवांस लेवल की ग्रामर को चेक करने के लिए इस टाइप के सेंटेंस आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। व्हाट इज वांटेड? अब इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज देयर, चूंकि ये इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आपको इज आर एम का यूज करना है। ये सेंटेंसेस आप तभी अच्छी तरह कर पाएंगे जब आप पहला एपिसोड इस टॉपिक का देखेंगे। तो आज हमने ये सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं। योर होम टास्क, फोर सेंटेंसेस आर देयर। यू हैव टू चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यू मस्ट रिमूव द फेंस। हैव द टीचर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। व्हाट इज शी पीलिंग? लेट हर लाइट द लैंप। I hope you liked the video.
और बंद करने से पहले लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस भी देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू।